बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि आप भाई के साथ मैं शेयर करूंगा आईफोन वालों का आईफोन 6s प्लस रोज गोल्ड कलर में अवेलेबल है। आप भाइयों के साथ इसके लेटेस्ट प्राइस यानी कि यूजेबल के सऊदी अरबी में के मार्केट वगैरह में इस वक्त क्या चल रहे हैं उससे अपडेट कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फिर आईफोन के साथ। ये रखा जी आपके सामने आईफोन वालों का आईफोन 6s प्लस जो कि यूजेबल है सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में। इस कंडीशन का मोबाइल कितने तक का सेल हो रहा है, आप भाइयों को कितने तक का खरीदना चाहिए, ये तमाम तो डिटेल आप भाइयों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मोबाइल की कंडीशन आपको बता दूं, नीचे आईफोन लिखा हुआ है, नीचे एस लिखा हुआ जी, एस सीरीज में एस लिखा जाता था साथ में, वरना ये बिल्कुल आईफोन 6 की तरह है। एप्पल वालों का लोगो चेक करते हैं, ये बिल्कुल ओके है। अच्छा, रोज गोल्ड कलर में ये अवेलेबल है, काफ़ी खूबसूरत कलर है जी। एप्पल वालों का लोगो तो ओके है। अभी कैमरे का मिरर वगैरह चेक कर रहा हूँ, कैमरे का मिरर तो ओके है, लेकिन साइडों पर जो कलर वगैरह पड़ा हुआ है जो गोल्ड कलर में है वो हल्का हल्का कहीं से मैं देख रहा हूँ उतरा हुआ है। लेकिन यूजेबल मोबाइल हैं जी, काफ़ी पुराने मॉडल हैं तो इतनी भाई इसमें इनमें कोई मुश्किल नहीं होती है। ये बैक साइड से वैसे ओके है जी, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। नीचे से स्पीकर ग्रिलिंग की बात कर लेते हैं। स्पीकर ग्रिलिंग में हल्की फुल्की धूल देख रहा हूँ मैं। जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ गौर से वो है जी चार्जिंग की जगह। यहाँ पर गौर कीजिए आप भी जब भी कोई यूजेबल मोबाइल खरीदिए, क्योंकि चार्जिंग की जगह बिल्कुल 100% ओके होनी चाहिए। साइडों से चेक कर लेते हैं, कोनों से मोबाइल को देख लेते हैं, वॉल्यूम अप डाउन सिम निकालने की जगह, पावर ऑन ऑफ इस कोने पर एक दो मैं निशान देख रहा हूं चोटों के, लेकिन ये इसमें कोई मसला नहीं है। अगर मोबाइल गिरा हो तो भाई उस चोट का निशान का वाजह तौर पर आप खुद भाई भी जब भी मोबाइल देखेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये मोबाइल कहीं गिरा हुआ है, क्योंकि वो चोट का निशान काफ़ी गहरा होता है। तो ये मोबाइल गिरा नहीं है जी, ये कन्फर्म बात है। अभी इसके डिस्प्ले के मुतलक बात कर लेते हैं। तो 5.5 इंच का बोल रही इसका लेकिन डिस्प्ले रखा गया उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ा डिस्प्ले था। सेल्फी कैमरा, स्पीकर ग्रिलिंग ये भी ओके है। 12 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है जी, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। और सॉरी 5 मेगापिक्सल का है जी, 12 मेगापिक्सल का तो आपको मैं अभी उसका रिजल्ट चेक करवा रहा हूँ, यानी कि बैक कैमरा जी इसमें 12 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा इसमें 5 मेगापिक्सल का यूज किया जाता था। तो भाई बात कर लेते हैं, मैं आपको डिस्प्ले के मुतालिक बता रहा था। डिस्प्ले के मैकबुक कैमरा चलाकर, अच्छा सॉरी यार इसका कैमरा, ये शॉप वाला बोल रहा है कि बैक कैमरा इसका भाई खराब है। जो सेल्फी कैमरा है ये मैं आपको दिखा रहा हूं खुद से, और जो बैक कैमरा है वो फिर मैं आपको चलाकर दिखा रहा हूँ। बैक कैमरा इसका ख़राब है जी, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ पहले ही। तो इसके हिसाब से प्राइस भी आपको मैं आगे डिटेल से बता देता हूँ। अगर बात करें स्टोरेज की, इसमें 16, 32, 64, 128 GB 4 स्टोरेज अवेलेबल होती थी, 2 GB रैम के साथ ही आता था। 2750 mAh की इसमें भाई ओरिजिनल आईफोन्स की तरफ से बैटरी यूज़ की जाती थी। अच्छा, बैटरी लाइफ भी यहाँ पर आपको मैं चेक करवा देता हूँ, अक्सर भाई मुझे कमेंट करते हैं। तो भाई बैटरी लाइफ भी मैं आप भाइयों को यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसकी बैटरी हेल्थ, बैटरी ताकत, बैटरी लाइफ इसकी कितनी है। क्योंकि भाई पुराने मॉडल्स में ये एक हकीकत बात है, बैटरी लाइफ जरूर चेक करनी चाहिए। यहां पर देख लीजिए 100% लिखा हुआ, यानी कि 100% तो ये कन्फर्म है जी इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट की गई है, यानी कि मोबाइल खुला हुआ है, बैटरी रिप्लेसमेंट है। बैक साइड वाला कैमरा भी इसका नहीं चल रहा है। आईफोन 6s प्लस रोज गोल्ड कलर में यूजेबल, तो ये शॉप वाला इसके सिर्फ और सिर्फ 700 रियाल मांग रहा है। तो मैंने उसको बोला इसका बैक कैमरा, वो बोलता है अगर 700 में लेना है तो इसका बैक कैमरा मैं ठीक करके दूंगा, यानी कि मोबाइल दोबारा से खुलेगा। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये मोबाइल कितने तक का होना चाहिए। किसी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।